नमस्कार भाभियों, एक बार फिर से मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ चूल्हे पे आग जला के अपने हाथों को गरम करके खेला हुआ BGMI की गेम प्ले में। ठीक है, और तुम लोग देख सकते हो मैं बैठा हूँ एकदम VIP की तरह इस प्लेन में, और प्लेन रूट स्रोमी विलेज नहीं गया क्योंकि वहाँ का मौसम खराब है। और अगर वहाँ पे नहीं गया तो क्या ही कर सकते हैं, हम आज वहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं सीधा उतर रहा हूँ तुम्हारे एक्स के मायके पे। कैसा? एक्स से याद आया मेरे को, मैंने एक वीडियो पे बोला था अपने अपने एक्स का नाम कमेंट में भर देना, मैं उसी नाम के किसी बोट को मारूंगा या फिर किसी बंदे को मारूंगा और उसके ऊपर डायलॉग मारूंगा। और उसमें तुमने अपने एक्स का इतने सारे नाम लिख दिया, इतने सारे लड़कियों का नाम लिख दिया, मेरे को तो देख के जलन हो गई कि कम से कम तुम लोगों ने थाना थाते हद भी लिया है। मैंने तो जिंदगी में ना थाया है ना हदा है ना मुता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। अबे कहाँ जाएगा भक्के, गबरू जवान मर्द से बचेगा तू? यंग यू फ्रांस, दीपक फ्रॉम बाथरूम। इसको नॉक करते ही ना मैं सीधा इधर आता हूँ। इसके मैंने दो बंदे मार दिए, एक भाग गया और एक ये बचा है जो मेरे पास आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? अरे मेरे को मारने के लिए आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये साला कलुआ मेरे से ब्यूटी टिप्स लेने आ रहा है। You are right, bro. वो तो खैर मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम इस पे ध्यान दो, इसको मैंने नॉक किया था और ये एक ही जगह बैठा हुआ है जैसे मैंने इसके पिछवाड़े में नींबू निचोड़ दिया हो। मैं सोचता हूँ उधर है तो चलो थोड़ा स्लिप मार के जाते हैं, लेकिन ये देखो ये इतना फिसलता है ना, बहुत ज्यादा सिल्की है भाई, ऐसा लगता है जैसे मियां खलीफा के ऊपर फिसल रहा हूँ। रहा नहीं जाता। अब वो बंदा देखो सामने की तरफ है, मैं भी यहाँ पे आ जाता हूँ कि मैं भी नहीं जाऊँगा, और एक टाइम पे ये आता है। इसको मैंने पूरा ही मार दिया, लेकिन इसका एक टीममेट जो भागा था ना वो मेरे को अभी तक नहीं मिला। तो इनका चौथा वाला बंदा तो भाग गया क्योंकि इनको रिकॉल भी तो करना है उसे, इसीलिए वो भाग गया। और ये तीन बंदे जो नॉक थे इनको मैंने फिनिश कर दिया, और मन तो कर रहा है कि इनको बाजार में लेके टांग दूं, लोग छिरी हुई मुर्गी समझ के इनको खरीद लेंगे। कुछ भी बोलता है। और तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मैं लाइक सब्सक्राइब को नहीं बोलूंगा, उसको छोड़ो, तुम मारो कमेंट, क्योंकि उसी कमेंट को पढ़ के मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो करो कमेंट बढ़िया बढ़िया, सबके कमेंट को लाइक करूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। ये देख लो भाई, किसके एक्स का नाम है सुहागनी, इसका नाम पहले कुछ और रहा होगा, लेकिन तुमसे पीछा छुड़ाने के बाद इसने किसी अमीर लड़के को पकड़ा और उससे शादी की, और उसके नाम का सिंदूर अपने माथे पे लगा रही है। और इससे ना एक और टॉपिक की याद आ गई दोस्तों, बताता हूँ एक मिनट। तुमको पता है लड़की और लड़के में क्या फर्क होता है? मैं बताता हूँ, अगर लड़का किसी से मैसेज पे बात करेगा ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट बात है वो करेगा, अपने दिल की बात करेगा, बस बात खत्म। लेकिन लड़कियाँ देखो ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अभी किसी लड़की से चैट कर रहे हो या फिर फ्यूचर में किसी से चैट करोगे तब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जब लड़कियों से तुम चैट करोगे ना, वो बात बात में तुमको दिल का इमोजी भेजेगी, ताकि तुम उस दिल के इमोजी को देख देख के ये समझते रहो कि अच्छा उसके मन में मेरे लिए कुछ तो है, तभी तो दिल का इमोजी भेज रही है, और तुम्हारे मन में उसके लिए प्यार जग जाएगा। और जब तुम प्रपोज करोगे तो वो कहेगी अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओम गेमिंग के वीडियो देखो कटवाने से बचो, BGMI सरकार द्वारा जनहित में जारी, मानना पड़ेगा। है दोस्तों इधर उधर की बातें छोड़ो, अब गेम प्ले पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे ना कोई नहीं था तो मैं सोचता हूँ यार 5 किल हो गए, चलो अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। लेकिन तुम देखो यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ और वो दिखा तुमको एक इच्छाधारी कबूतर। अब अगर ये भी देख के तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो मैं तुम लोगों का क्या ही बिगाड़ लूंगा, क्या ही कर लूंगा, वो तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो। फिलहाल मैंने इसको तो पूरा मार दिया, अब मेरे हो गए 6 किल। अब ना मेरे दिमाग में एकदम से ये ख्याल आता है कि अगर ये आ रहा था उड़ के तो कोई और आ रहा होगा, और देखो अभी अभी एक बंदा उतरा है। बट मैं ये सोचता हूँ यार फिर से वापस जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं अपार्टमेंट चला जाऊँ, 2-4 बंदे तो मुझे वहीं मिल जाएंगे, एक बंदे के लिए क्यों जाऊँ वहाँ पे। तो मैं सीधा ना इस बंदी की पेटी पे आता हूँ, क्योंकि अभी अभी मारा इसको, 2-4 लूट मिल जाएंगे, एमओ वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैं लूट रहा था तुमने सामने देखा एक गाड़ी आ रही है, और देखो इस गाड़ी वाले को। और ये बंदा ना एकदम गुलाबी गुलाबी था, मुझे लग रहा है ये गुलाबी रंग का लिपस्टिक खा के पैदा हुआ है। गजब बेइज्जती है। खैर दोस्तों इसको मारने के बाद अब मेरे को ख्याल आया कि तुम लोगों को ये भी कह देता हूँ कि मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी।
उस पे दबाओ और आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो मुझे और 5-6 मिलियन करवा दो। हलवाई क्या? अब यहाँ पे ना मैं ये मटकती हुई गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ और ये देखो फायरिंग हुई पीछे से, मुझे ही पड़ी है उनकी गोलियाँ। तो मैं क्या सोचता हूँ कि चलो अब सीधा ना गाड़ी घुमाते हैं और एक ऐसी जगह पे रोकेंगे जहाँ से इनको मारना बड़ी आसानी होगी। तो अपार्टमेंट की जगह देखो एक ही जगह है जहाँ पे तुमको कवर भी मिल सकता है और तुम मार भी सकते हो। मैं दिखाता हूँ वो कौन सी जगह है। देखो ये जो छोटे छोटे घर है ना यहाँ पे, यही वो जगह है जहाँ से तुम बड़े आसानी से बंदों को देख सकते हो, मार सकते हो। अपार्टमेंट से तुमको पड़ने का खतरा कम होता है। और देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, इस बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया भाई। देखो कितना सा हेल्थ छोड़ा है और इसका नाम है पैंथर। लेकिन अबे पैंथर मेरे सामने तो हक दिया, इसलिए पहन तू आज से पैंपर। अबे तू मुझे गलत मत बोल। तुम्हारे बाबू को इसने मार दिया दोस्तों। मैं श्राप देता हूँ इसकी और इसके दोस्त, ये जिसके साथ खेलता है वो, इसके क्लैन वाले सबके आईडी में कीड़े पड़े। अरे नहीं भाई। खैर दोस्तों जीना मरना तो लगा रहता है, अपन लोग आ गए फिर से एक बार। तुम्हारा भाई बैठ चुका है प्लेन में और ये प्लेन की स्किन जोकर वाली क्यों है? शायद से ये प्लेन वाला वही जोकर है, वो टिकटॉकर और वो ऐसा करता था ना वाला, तो उससे मेरा क्या फायदा? खैर मैं अभी हवाओं के बीच में हूँ, आसपास बहुत सारे बंदे तुम लोगों को दिख गए होंगे मेरे साथ उतरते उतरते। लेकिन अचानक से ये लोग गायब कहां से हो गए भाई? ऐसी कौन सी जादू है? मेरा थोड़ा देर से लैंडिंग हो गया, टेंपल में बहुत सारे बंदे आ गए तो मैं इधर की तरफ आया, लेकिन इधर देखता हूं तो ऑलरेडी एक स्क्वाड उतरा जो मैं यहां से नंगे पैर भागा हूं। और एक तो ये स्लाइडर से तुम जब भी उतरोगे ऐसा एकदम सीधा से जमीन पे नहीं उतरेगा, पहले तो अपने टांगों को सिकुड़ के रखेगा और दोनों हाथ ऐसे फैला के रखेगा कि आओ मेरी मार लो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। अब यहां पे मेरे को ये गन मिल जाती है, इसका नाम क्या यार, थॉमसन नाम है शायद से, तो ये गन मैं ले लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बंदे। अब देखो तुम लोगों को बहुत सारे फुटस्टेप आ रहे होंगे, मैप में देख लो हर जगह फायरिंग चल रही है। मैं इधर की तरफ देखता हूँ लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता, तो इधर से मैं देखने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ और मैं भूल गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। और मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की लेकिन मैं भूल गया हूँ क्या होता है यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ गजनी की औलाद। अब मैं इधर की साइड जाता हूँ तो इधर कोई बंदा नहीं होते, फिर जाता हूँ मैं सीधा सामने की तरफ, वो भी किसका यूज करके, यही ये स्लाइडर का यूज करके। अब देखो मेरे को ना ये पता नहीं था कि कौन से घर में बंदा है, तो मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ और घर के छत में मुझे चढ़ना था लेकिन गलती से मैं नीचे गिर गया। अब तुम लोगों को बंदा दिखाता हूँ, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ये देखो ये घर से निकलते हुए तुम लोगों को दिख रहा है, ये बंदा दिखा और ये घर में चला गया। डैमेज तो कर ही दिया हूं मैंने, तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये बंदा ऊपर जा रहा है, तुम लोगों को दिख गया होगा उसके खिड़की पे, तो इसके ऊपर फेंक के मारते हैं गधे का गरम पेशाब जो मैंने यहाँ से निशाना लगाया और फेंक दिया सीधा उसके ऊपर। लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि मैंने फेंक के मारा है गधे का गरम पेशाब और वो खुद गधा है, तो अपने ही पेशाब से कोई मरता है क्या? यार बहुत ज्यादा घिनौनी घिनौनी बातें हो गई दोस्तों, अब सीधा मैं सीधा घुस जाता हूँ। लेकिन ये मुझे 2 किल मिल गए, ठीक है। अब ये ऊपर वाले जो बंदे हैं ना, इनको एक देख के हम लोग आए थे, लेकिन भाई ये तो 2 लोग हैं और दोनों कोने में हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आके टीपीपी लेने लगता हूँ, ये लोग रस करते हैं, अब देखो मेरे साथ क्या होता है। ये बंदा मुझे एक ही जगह दौड़ते हुए दिखा, मेरे को लगा इस बंदे का ग्लिच है, लेकिन तभी और जब इस तरीके से हम लोग मरते हैं बिना अपनी गलती के तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। यार ये बंदा तुमको उतरते हुए दिखा होगा तो मैं इसको ही देख के सीधा यहीं पे आता हूँ कि 1 किल तो अब यहीं से शुरू करूंगा। अब कोई बंदा ना मेरे को दूर से मारने की कोशिश कर रहा था, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो सबसे पहले तो मैं इसकी पेटी लूटूंगा। और वो देखो पीछे की तरफ भी कोई लोग पैराशूट से अभी उतरे हैं, यानी कि रिकॉल होके, तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सीधा भागता हूँ पीछे की तरफ, यानी कि सीधा सी बिल्डिंग पे जाकर रस करूंगा। लेकिन मैं उनके ऊपर रस तो करने जा रहा था, फिर मेरे को याद आया कि यार के मेरे पास तो उजी है, उजी से तो भाई मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इस घर के अंदर मैं आता हूँ, मेरे को गन वगैरह भी दिख जाती है और साथ ही साथ गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट भी मिल जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी लूटूंगा गन वगैरह जो भी है, उसके बाद हम सीधा जाके रस कर देंगे। इधर की तरफ देखो यूएमपी वगैरह पड़ी है, वैसे मैं यूएमपी बहुत ज्यादा चलाता हूँ लेकिन आज छोड़ दिया क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था ना, अजीब अजीब तरीके से मैं मरा था। और बंदा है इस बिल्डिंग के ऊपर, उधर भी है लेकिन सबसे पहले बिल्डिंग वाले को देखेंगे। तो ये किया मैंने सुपर हीरो वाली एंट्री।
और ये बंदा कहाँ देख रहा था मुझे नहीं पता, इसको शायद से आवाज नहीं आई होगी क्योंकि जब भी ये कूद कूदा के आते हैं ना किसी को आवाज नहीं आती। मैं भी इस चक्कर में कई बार मरा हूँ। अब सामने भी बंदे हैं, नीचे भी बंदे हैं, देखो तो इसीलिए मैं सीधा नीचे जंप करता हूँ। और इनकी चल रही थी फाइट, यानी कि एक के दूसरे को पेल दिया। अब एक बंदा तुमको दिख गया होगा कि वो एकदम कोने पे अपना पीठ रगड़ रहा है दीवार से। और क्या ही टाइम पे ये बंदा भागा है, लेकिन इसको मैंने आखिरकार मार दिया, यानी कि नॉक कर दिया। और साथ ही साथ इसको फिनिश भी कर देंगे क्योंकि चांस ही नहीं देना रिवाइव वगैरह का, तो चांस ही नहीं देना है। इसको मारने के बाद इसके पेटी से भी मेरे को अच्छे खासे लूट मिल जाते हैं, यानी कि इतने टाइम से मेरे पास दिलरुबा गन नहीं था तो वो ले लेता हूँ और उसके एमओ वगैरह भी ले लेता हूँ। लेकिन मेरे को याद आया मेरे पास तो एक्सटेंडेड भी नहीं है, तो इसकी पेटी पे मैंने एक्सटेंडेड देखा था, तो सबसे पहले तो वो लेते हैं। इसको मैंने नॉक करके सीधा फिनिश कर दिया, यानी कि इसके टीममेट बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो मेरे ऊपर रस करने को देख ही रहे होंगे कि जैसे ही मैं दिखूं वो मेरे को कुचल कुचल के मारे। बाप रे, अब ना हल्की से मेरे को राइट से आवाज आती है, मेरे को लगा बंदा राइट में आ गया। इधर से देखता हूँ तो इधर से नहीं दिखता, तब मैं सोचता हूँ चलो स्लाइडर का यूज करके जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं बंदे को। तो मैं जा ही रहा था तभी मुझे एक बंदा छत में दिखता है, तुम लोगों को भी दिख गया होगा। अब मैं सोचता हूं यार इधर उतरते हैं और फिर इसको मारते हैं, लेकिन ये तो होते हैं केडी वाले प्रभु। तो इनको मार के हम अपना केडी वगैरह मेंटेन कर लेते हैं। और सामने वाले बंदे दिख गए होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर फायर किया है, तो उनको भी बजाएंगे। और इधर से तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना वो भी कुछ कर सकते हैं, ना रस भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा स्लाइडर का यूज करेंगे और जाएंगे सीधा छत पे। और एक तो ये स्लाइडर का यूज मैं जब भी करता हूं ना, मेरे को डर इस बात की लगी रहती है कि कोई मेरे को ठेल ना दे। वैसे ये बंदा तुमको दिख गया होगा जो मेरे को मार भी रहा है, तो सबसे पहले यहां पे हम कूदेंगे कुछ इस तरीके से और सीधा लेट जाएंगे भैया। और जैसे ही मैं जंप करके इस घर के छत पे लेटा, उसके बाद इस घर को मजा आ गया होगा। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। खैर ये सब बातें अभी नहीं करते। सामने वाला बंदा देखो मुझे एकदम ताक रहा है कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा वो मेरे को मार देगा। और देखो मेरे पास थी डीपीएस, तो मेरे को लगा जो भी आएगा मैं उसको फेल दूंगा। लेकिन भाई सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि यहाँ पे आके मैं लेट गया। अब एक बंदा तुम लोगों को सामने वाली सीढ़ी से आता हुआ दिख गया होगा, मेरा ध्यान उसी पे था। लेकिन तभी यहाँ पे हम मारे जाते हैं दोस्तों हमेशा की तरह। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके तुम मुझको मैसेज भी कर सकते हो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए ठोंकते रहो।